दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन पर क्लिक करें और बेल का आइकन ऑन करें ताकि जो भी वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शाकिब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रामगढ़ टैग। दोस्तों आज का जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ वो इंडियन पोस्ट की तरफ से निकाला गया है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय डाक विभाग में यहाँ पे मेल गार्ड और पोस्टमैन का बहाली निकाला गया है जिसमें 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये जॉब जो है डायरेक्ट बहाली है, सीधी भर्ती है दोस्तों, इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। बस आपको फॉर्म भरना है और मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसमें आपको नाम आएगा तो आपको डायरेक्ट जॉब दे दिया जाएगा। और ये सेंट्रल का जॉब है, डायरेक्ट बहाली होता है इसमें। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शाकिब और आप देख रहे हैं रामगढ़ टैग। दोस्तों ये जॉब का जो अपडेट निकाला है आंध्र प्रदेश पोस्टल सर्कल की तरफ से, ये जॉब का अपडेट निकला है। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश की तरफ से ये जॉब का अपडेट निकल के आया जिसमें पोस्ट का नाम जो बताया जा रहा है पोस्टमैन और मेल गार्ड। तो यहाँ पे दो पोस्ट निकाला गया है दोस्तों, जिसमें जनरल ओबीसी को जो फीस लगेगा दोस्तों 500 रुपया और ST SC PH को 100 रुपया मांगा गया है। और फीमेल अगर इस जॉब को अप्लाई करती है तो 100 रुपया लगेगा दोस्तों। आप पेमेंट पोस्ट ऑफिस के द्वारा कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट आपको नहीं करना है। इसका जो ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट बताया गया है 14 फरवरी 2018 से लास्ट 15 मार्च 2018 तक बताया जा रहा है। फीस जो आप पेमेंट करेंगे 16 मार्च 2018 तक आप लास्ट फीस पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और फाइनल जो सबमिट आप करेंगे ऑनलाइन वो 20 मार्च 2018 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। चलिए आपको सीट्स बताते हैं दोस्तों। इसमें जो टोटल सीट्स निकल कर आई है 245। इसका जो एज लिमिट है दोस्तों वो 30 मार्च 2018 तक आपको मिनिमम 18 साल बताया गया है और मैक्सिमम 27 साल। जी हाँ दोस्तों, 18 साल से 27 साल तक के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ST SC है तो 5 साल आपको और छूट मिल जाएगा, यानी 32 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और OBC अगर आप होंगे दोस्तों तो आप यहाँ पे 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन जो होगा आंध्र प्रदेश होगा, अगर आपका जॉब लगता है तो आंध्र प्रदेश में आपको जॉब दिया जाएगा। दोस्तों इस जॉब को अगर आप अप्लाई करते हैं तो पोस्टमैन में 234 पोस्ट है दोस्तों, जिसमें जनरल को 134, ओबीसी को 10, एससी को 58, एसटी को 32 दिया गया है। जिसमें मेल गार्ड के लिए जो निकाला गया है दोस्तों, इसमें टोटल 11 पोस्ट है। जनरल को 7 मिला है, ओबीसी को 1, एससी को 2 और एसटी को 1 मिला दोस्तों। पे स्केल जो इसमें होगा 21,700 रुपया पर मंथ देने की बात की जा रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इसमें बताया गया है मैट्रिक पास। जी हाँ दोस्तों, मैट्रिक पास अगर आप है तो आप इस जॉब को अप्लाई कर लीजिए दोस्तों। लेकिन एक बात आपको बताना चाहूंगा, पोस्ट ऑफिस में जो मेरिट लिस्ट बनता है दोस्तों, कम से कम 80 प्लस आपका मार्क्स है तभी आप इस जॉब को अप्लाई करें, अन्यथा ना करें दोस्तों। क्योंकि अभी जो रिजल्ट आया है पोस्ट ऑफिस की तरफ से, जिसमें सेलेक्शन लिया गया है डायरेक्ट बहाली में, लगभग 80 प्लस वालों को ही उठाया गया है दोस्तों। तो अगर आप ST SC है तो 80 प्लस कर सकते हैं, अगर आप OBC में आते हैं तो आपको 90 प्लस आपको मार्क्स चाहिए, और जनरल है तो 95% आपको मार्क्स चाहिए तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अन्यथा कोई इस जॉब को अप्लाई ना करे दोस्तों, कोई फ़ायदा नहीं है, आपको यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है। अगर आप फर्स्ट भी आए हैं तो आपको सिलेक्शन नहीं होगा, कम से कम आपको 80% मार्क्स चाहिए तभी आप इस जॉब को पा सकते हैं। इसे अप्लाई करने के लिए 14 फरवरी से 15 मार्च तक आप इसका वेबसाइट में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ दोस्तों, वहां से आप जाकर इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे मोड ऑफ सिलेक्शन लिखा हुआ है रिटन एग्जाम, लेकिन रिटन एग्जाम नहीं है दोस्तों, वो गलती से छप गया है। एग्जाम सेंटर जो होगा दोस्तों कुरनूल, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, तो 3 जगह ऑनलाइन सेंटर बनाया गया दोस्तों।
तो आशा करता हूँ वीडियो में सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप सवाल कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, वहाँ से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा दोस्तों अपना, टेक केयर, बाय।